बड़ा दबा दिला, उन्होंने फ़ोन काट दिया और नीचे अटेंडेंट को बोला कोविड टेस्ट हेल्पर, उसने भी कहा ठीक इंजेक्शन भेज रहे हैं, लेकिन आधे घंटा हो गया किसी को भेजा नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं आती है। हाँ ये भी है, ऑक्सीजन ही नहीं आती, हर तीसरे ने फोन पर ऑक्सीजन सिलेंडर बदले सर। आधे 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 दिक्कत बना रहता है, 8 दिनों से आधे तो 10 दिन हो रहा, रात तो बैठे रहते ऑक्सीजन के आधे निकल जाते हैं। इसे हमारे यहाँ पे फादर एडमिट थे, दिक्कत कोई नहीं थी, सब पहले से अच्छी प्लानिंग के साथ हमने एंट्री करी अंदर, जान पहचान के साथ, डॉक्टर जान पहचान, सीमोस जान पहचान, लेकिन आने के बाद कोई रिस्पांस नहीं, सिर्फ गंदगी, लापरवाही और बदतमीजी। एक भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक तो कोई सुनता नहीं है। डॉक्टर की डिमांड करिए, पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर आता है, वो कैमरे देखते रहते हैं। अभी मेरा पेशेंट 5-3 पे ख़त्म हुआ, 5-4 पे डॉक्टर आ गया, कैसे आ गया? इसलिए कृपा करके इन लोगों को कोरोना वायरस न कहा जाए। क्या क्या गंदगी और जो है ऑक्सीजन को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ऑक्सीजन की सिस्टम ये था, हम हर तीसरे फोन करते थे भैया सिलेंडर चालू कर दो, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, फिर आदमी डेढ़ बजे भैया सिलेंडर चालू करो, पूरे 24 घंटे यही प्रोसेस चलता था। आज सुबह इनका बताते पाइपलाइन बस्टर को, जिसका मेरे पिताजी की नब्ज़ एक बार रुकी, पंप करने से दोबारा आ गई, फिर उनको कुछ तेज फीवर आया, मैंने दवा की डिमांड की जो अभी तक नहीं मिली, आखिरी मेरे पापा ने 5:03 पर दम तोड़ दिया। कूड़ा वगैरह क्या है अंदर? कूड़ा गंदगी बेशुमार, सिर्फ मेरे ही कमरे में एक टेम्पो कूड़ा पड़ा है, गैली के अंदर एक DCM। क्या नाम है आपका? विपुल अग्रवाल। सर ये आप क्या इस समय कितने हॉस्पिटल क्रियाशील है और कितने मरीज उनमें क्रियाशील है, और क्या दिक्कतें आ रही हैं? कुछ वीडियो आए हैं जिनमें मरीज लोग जो है कुछ शिकायत कर रहे हैं, क्या दिक्कतें अस्पताल प्रशासन को भी आ रही हैं आप लोगों को? जी हमारे यहाँ L2 हॉस्पिटल 100 बेडेड रन कर रहा है, जिसमें 37 मरीज अभी तक हैं, कुछ छुट्टी हो गए हैं, कुछ भर्ती हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है दिक्कत, लेकिन कुल मिला के इस समय 37 लोग हैं और सबका प्रॉपर समुचित इलाज चल रहा है, सब ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास, कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, वो 4th class की थी, लेकिन उसको भी हमने मीट आउट करने का प्रयास किया है, रखा है, क्योंकि ये सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए लोग हैं। इस महामारी में इनके दिमाग में कहीं भी इस बातें आ जाती हैं कि हमको न हो जाए, हम न मर जाएं, तो डर के ये लोग भागने लगते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। मैं समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनको संभल आए और ये मदद करें, हमारी हेल्प करें, हॉस्पिटल की हेल्प करें, और कर भी रहे हैं। कुछ अभी कुछ मेरा काम प्रभावित अभी नहीं हुआ है, मेरा काम बढ़िया से चल रहा है। कुछ अंदर से वीडियो भी आए, अंदर से जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं, जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं, उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पर आती है, गाड़ी से लेकर चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुज़ुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया था।